शशि सर, जो ब्रांड मोदी की अगर बात करें तो ब्रांड मोदी की आज स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? और ब्रांड मोदी का जो ये गिरावट है, जो लोगों का दुराव है, इस दुराव के पीछे की क्या वजह देखते हैं? क्या मुद्दों पर बात ना करना एक बड़ी वजह है? ऐसा है कि कोई भी ब्रांड की एक सेल्फ लाइफ होती है, कितना तक चलेगा। तो एक नैसर्गिक स्वाभाविक प्रक्रिया में कोई भी ब्रांड आगे चलकर कम हो जाता है, वो एक बात होती है। लेकिन दूसरा होता है कि जिसकी ब्रांडिंग आप करते हो उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंटेंट कमज़ोर हो तो बाहरी शक्ति कितनी भी ताकत लगा दे, ज़्यादा समय तक उसको टिका नहीं पाती। मोदी के मामले में, नरेंद्र मोदी जी के मामले में ये दूसरी वाली बात ज़्यादा है। क्योंकि पिछले 10 साल से क्या हुआ कि आप एक राष्ट्रीय पटल पर आपने एक ब्रांडिंग करा के उनको प्रोजेक्ट कर दिया। और कल मैंने जो उनका भाषण सुना लोकसभा में, 2 सवा 2 घंटा भाषण किए उन्होंने, वो भाषण पिछले 10 साल से जो कर रहे हैं वही भाषण है। उसमें कुछ नई बात या अलग हुई था नहीं। लेकिन 10 साल में परिस्थिति बदल गई है। परिस्थिति बदलने का के कारण 10 साल, पिछले 10 साल जो मेजे बचती थी भाजपा की तरफ से, वहां पर शांतता था, खामोशी थी। वो खुद पीछे बैठे हुए तमाम, किरण रिजिजू से लेकर तमाम लोग बोर हो चुके थे। और विपक्ष जो कमजोर नजर आता था पिछले 10 साल से, वो एक उचित ऐसे महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दे पर घोषणा देते जा रहा था। जो सवाल था मणिपुर को लेकर, तो बात आपकी, वो जो सवाल है उसमें आ जाती है बात कि आप अगर गंभीर मुद्दों पर भी जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आपको ज्यादा गंभीरता से लोग भी नहीं लेंगे। बात यह, 10 साल हो गए, आपका अभी जवाब देने का समय आ गया था। 10 साल से आपने किसी भी सवाल को लेकर कभी भी जवाब नहीं दिया, और जवाब देने के बजाय उन सवालों को बायपास करते हुए 70 साल पहले की, 50 साल पहले की और कुछ भी उठपटांग बातें आप करोगे तो ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है। 10 साल पहले तक आप एक ब्रांडिंग करने के बाद आपका प्रेजेंटेशन किया गया था, और आपने जो पूरी एजेंसी रहती है वो काम पे लगा के आपने एक बना दिया माहौल, एक प्रतिमा बना ली। लेकिन उस प्रतिमा के अंदर प्रतिभा तो होनी चाहिए। सिर्फ प्रतिमा से काम नहीं चलता, प्रतिभा भी होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी के अंदर की क्षमता क्या है, प्रतिभा क्या है, वो इतनी है कि वो फैक्ट्स को ट्विस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी धड़ल्ले से झूठ बोल देते, वो बोलते हैं लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन थोड़े बहुत जब तथ्य होते हैं उसको ट्विस्ट करके एकदम प्रेजेंट कर देना एग्रेसिवली, ये उनका एक पोर्टे है, वो उनकी एक ताकत रही है। अब इस ताकत के बल पर कल तक आप गुमराह कर पा रहे थे। अब क्या हो रहा है, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, विपक्ष से नहीं, आप सत्ता में हो। और सवालों के जवाब सीधे सीधे देने के बजाय आप दाएं बाएं घूमने लगोगे और विपक्ष पर आप कटाक्ष करते जाओगे, तो ये बात हजम नहीं होती है। तो सोशल मीडिया में कल तक ऐसा होता था कि एक ही आईटी सेल हुआ करती थी, जिसकी ताकत थी और जिनका रुतबा था, और वो सारी चीजों को कंट्रोल भी करते थे। और कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया और उसके उस स्तर पर कोई ज्यादा काम होता नहीं था। तो इस चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्ष दलों ने भी सोशल मीडिया पर अपना एक ठीक ठाक काम किया है। अब वो काम का असर जो है हमको रिजल्ट में दिखने लगा है। और इसलिए राहुल गांधी का वही भाषण है जो 10 साल से वो दे रहे हैं, उनकी बातों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ ऐसी बात नहीं है। उनका कंटेंट जो था वो था, लेकिन उसको परसेप्शन में, नजरिए में बदलाव आ गया है, परसेप्शन में बदलाव आ गया है। तो माहौल, परिस्थिति बदली है, और परिस्थिति के अनुरूप मोदी बदलना नहीं चाहते। अब परिस्थिति के अनुरूप अगर ब्रांड नहीं बदलेगा और प्रोडक्ट की जो खामियां है उस प्रोडक्ट की खामियों को आप ठीक नहीं करोगे, तो प्रोडक्ट और उसका ब्रांड दोनों चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती। ये एक डाउनफॉल है। एक सीधी सीधी बात कहे तो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा हार चुकी है। भाजपा जहां संगठनात्मक तरीके से मजबूत है, उसके पास यंत्रणा कब्जे में है, उसके पास संसाधन थे, इसके कारण वो 240 तक पहुंच पाई। लेकिन उस 240 में नरेंद्र मोदी जी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अगर हम लोग राज्यवार भी कहें तो वो ब्रांड फेल हो चुका है। गुजरात में नरेंद्र मोदी ब्रांड की कारण भाजपा नहीं है, भाजपा पहले से, और भाजपा के कारण नरेंद्र मोदी ब्रांड बना गुजरात में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे और उनके पूरी भाजपा की यंत्रणा थी, उसके कारण है। राजस्थान का नतीजा राजस्थान के वसुंधरा राजे से लेकर वो तमाम लोगों के कारण है, जो भी नतीजा है। यूपी में आपका ब्रांड चल रहा था और यूपी में वो ब्रांड बुरी तरह से फेल हो गया।
महाराष्ट्र में आपका ब्रांड दिख रहा था, वो ब्रांड पूरी तरह से फेल हो गया। आप बंगाल में आपका ब्रांड चलाने की कोशिश कर रहे थे, वहां आपका ब्रांड फेल हो चुका है। तो कुल मिलाकर 10 साल में इतना ही हमको अभी इस बार सामने आया है कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड का जो खोखलापन है वो इस बार एकदम क्लियर कट तरीके से नजर के सामने आ चुका है। इसलिए वो बौखलाहट भी नजर आ रही दिख रही है हमको मोदी के तरफ से। तो ब्रांड नीचे जा रहा ऐसा नहीं है, वो ब्रांड खोखला था ये बात इस बार साबित हो गई। और आप देखेंगे कि 2-2.25 घंटे का भाषण के बाद सोशल मीडिया में उसके ऊपर जितने भी मीम्स और उसके ऊपर जितने भी कटाक्ष बने वो विरोध से विरोधी है उसके ज्यादा बने। ट्रेंड भी नहीं कर पा रहे अमित मालवीय जो भी करने की कोशिश की, मतलब हमेशा की तरह भाजपा के ऊपर कटाक्ष था तो आपने बोल दिया कि समस्त हिंदू का अपमान किया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े हो जाते हैं और उनको बिठाया जाता है, दो बार खड़े होते दो बार बिठाया जाता है, ऐसा पहले नहीं होता था ना, एकदम शांतता हो जाती थी, उनका एक पकड़ थी। तो अलायंस गवर्नमेंट में आपको जो विनम्रता के साथ पेश आना होता है और ईमानदारी के साथ बात रखनी पड़ती है, वो ईमानदारी अगर वो ब्रांड नहीं रखेगा तो इसको ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड भाजपा के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। इस लायबिलिटी को भाजपा के शीर्षस्थ नेता बाकी लोग जितने जल्दी समझ पाएंगे उतने जल्दी उस पार्टी को उस बीमारी से वो बाहर निकाल पाएंगे, अन्यथा भाजपा का ग्राफ आने वाले दिनों में और नीचे नीचे जाने वाला है। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है, उसमें तो और भी सामने आएगा। महाराष्ट्र में तो यहाँ चर्चा है कि अभी मोदी को जहाँ नहीं बुलाना है भाई, क्योंकि जहाँ जहाँ बुलाए वहां वहां मार खा गए। तो विधानसभा चुनाव में मोदी का ब्रांड छोड़कर चुनाव लड़ने की बात भाजपा की तरफ से और अलायंस की तरफ से हो रही है। ये तो पूरा 360 डिग्री ऑपोजिट दिशा में चला गया, 180 डिग्री ऑपोजिट दिशा में चला गया कि मोदी का चेहरा दिखाकर शिवसेना बीजेपी अलायंस के चुनकर आए थे ऐसी जो बात आप कह रहे थे 2-3 साल पहले तक, आज वही भाजपा आप कह रही है कि नहीं मोदी को हम नहीं लाएंगे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो ब्रांड हैज टोटली फेल्ड एंड दिस हैज टू बी एक्सेप्टेड। जी सजी सर, बस संक्षेप में एक अंत में जो मैं अभी आपसे अलग मैंने सवाल किया था तो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, जो ये रवैया है वो रवैया चुनाव पर कितना इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अब तो महाराष्ट्र में भी चुनाव है भाई, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की बात भी हो रही है, कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति इस समय ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार बेचैन किए हुए, तो क्या वो इफेक्ट डालेगी, और इफेक्ट अगर डालेगी तो जो मुद्दे हैं जिन मुद्दों से भाजपा लगातार बच रही है सोशल मीडिया पर, वो मुद्दे इनको असहज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम में ये सब दिखा है कि लोगों को अभी रुचि मुद्दों पर है। आप परमात्मा के अवतार है, आपको किसने भेजा इसमें बिल्कुल रुचि नहीं है, आप कैसे भाषण कर रहे हो इसमें भी बिल्कुल रुचि नहीं है, आप क्या मुद्दे रख रहे हो उन मुद्दों पर आपकी क्या भूमिका है, नीतिगत कौन से फैसले लेने जा रहे हो उस पर लोगों को रुचि है। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी की परिस्थिति ये है, लोकसभा का अनुभव लेने के बाद विधानसभा में किसी भी सूरत में ये नरेंद्र मोदी जी का चेहरा महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में ज्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि भाजपा समझ गई है कि उनको अपने सांगठनिक और मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए इस बार के उन्होंने जो भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम का जो बजट आया है उसमें वो सारी बातें करने की कोशिश की है। तो ये ब्रांडिंग से हट रहे, और मुझे ऐसे लग रहा है कि चुनावी राजनीति में फिर से एक नॉर्मल सी ठीक से आ रही है कि जहां पर लोगों के मुद्दे, अर्थतंत्र के मुद्दे, देश को या राज्य को विकसित करने की दिशा क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें केंद्र में आ रही है और उसका प्रतिबिंब जो है हमको सोशल मीडिया पे दिख रहा है। अब ये गहरे मुद्दे है जिसका जवाब देने की कुवत भाजपा के आईटी सेल में नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से वही बकवास आती रहेगी और जितना बकवास करेंगे उतना ये जनता से टूटते चाहिए।